नमस्कार बंधुगण बंधुगण आपण मानू आम चैनल को स्वागत। बंधुगण शिवरात्रि केबे 1 मार्च ना 2 मार्च जानतु संपूर्ण तथ्य ता सहित भगवान शिव को पूजा रे करंतु नहीं एही तीनोटी काम। शास्त्र रे महाशिवरात्रि रो बहुत अधिक महत्व रही। शिवपुराण अनुसार महाशिवरात्रि रो पर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष रो चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाए। एही दिन शिवभक्त मंदिर रे भगवान शिव को आराधना एवं जलाभिषेक करी थांती। प्राचीन कथा अनुसार एमती कहा जाए जे महाशिवरात्रि शिव को शक्ति मिलनर पर्व अटे। एही दिन आध्यात्मिक शक्तिर जाग्रत होइथाय। बहुत लोकंकर वर्ष 2022 महाशिवरात्रि तिथि को नै विराधवास मध्य देखा देउछि। आज आम 2022 रे महाशिवरात्रि पर्वर ठीक तारीख एवं पूजार शुभ मुहूर्त पूजा विधि ता सहित भगवान शिव को पूजा रे कौन सावधानता अवलंबन करने को पड़ो आसतु से विषय ए वीडियो रे आज जाणने। यह पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करूँ चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करनी। भगवान शिव को पूजा विधि शास्त्र अनुसार महाशिवरात्रि दिन सूर्योदय पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करंतु व्रतर संकल्प करंतु। एहा परे घरे किंबा शिव मंदिर जाइ विधि विधानर सह भगवान शिव को पूजा करंतु। रातिरे भगवान शिव को मूर्ति शिवलिंग को पंचामृत रे स्नान करी विधि विधान पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र रे पूजा करिबे समय रे तांकु बेलपत्र दुदुरा चंदन पुष्प धूप दीप आदि श्रद्धार सह अर्पण करंतु। शेषरे भगवान शिव को आरती करी परिक्रमा करी पूजा संपूर्ण करंतु। 2022 महाशिवरात्रि रो पर्व 1 मार्च मंगलवार दिन पालन करा जीवो। चतुर्दशी तिथि आरंभ हेबो 1 मार्च प्रातः काल 3:16 आउ शेष हेबो 2 मार्च प्रातः 1:01 मध्यरे। निश्चित काल पूजा समय रे हेबो राति 12:08 आरंभ करी राति 12:58 पर्यंत। महाशिवरात्रि पालनर दिन हेबो 2 मार्च सकाळ 6:45 पर्यंत। महाशिवरात्रि रो राति रे चारि प्रहर रे भी भगवान शिव को पूजा करिबा उचित। आउ परदिन प्रातः काल ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे व्रतर पालन करिबा उचित। महाशिवरात्रि रो नियम भगवान शिव को पूजा नियम अनुसार भगवान को बेलपत्र अर्पण करने समय रे ध्यान देवे कि बेलपत्र रे तीनोटी पत्र जाक फटा हो नथिबो आउ तार चिकण भाग को भगवान शिव को ऊपर स्पर्श करिबा उचित। भगवान शिव को पूजा रे कदंब फूल केतके फूल केबे अर्पण करिबे नाही। भगवान शिव को पूजा करिबा समय रे ध्यान देबे पूजा रे जेउ अक्षत चढ़ाइबे ताहा भंगा होइ नथिबा उचित। भगवान शिव को पूजा समय रे शंखरे जल अर्पण करिबे नाही। महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव को लिंग रे नड़िया पाणी भी अर्पण करिबा उचित नुह। भगवान शिव को नड़िया भोग लगाई पारिबे किंतु नड़ियार पाणी को केबे भी ए दिन अर्पण करिबे नाही। महाशिवरात्रि रे भगवान शिव को पूजा रे केउ कथा को आपण भूलिबे नाही। महाशिवरात्रि रे भगवान शिव को पूजा करिबा समय रे अनेक उपाय रहिछि। शास्त्र रे भगवान शिव को पूजा सबुठु सहज मान्यता अछि कि भगवान शिव बेलपत्र दुदुरा गोटे गोटी जल रे भगवान शिव खुशी होई थांती। एथि पई प्राय शिव भक्त भगवान शिव को पूजा रे तीनोटी जिनिस को केबे भूलंती नाही। भगवान शिव को प्रसन्न करिबा पई महाशिवरात्रि रे भगवान शिव को पंचामृत सह बेलपत्र दुदुरा फूल अर्पण करंतु। भगवान शिवलिंग रे गंगा जल निश्चय अर्पण करंतु। एहा द्वारा आपण को भगवान शिव को कृपा प्राप्त हेबो। एमिती मान्यता अछि कि महाशिवरात्रि दिन आपण दुदुरा पाई परिबे तो व्रत संपूर्ण होइथाय। एमिती व्यक्ति को धन जश सबकि प्राप्त होइथाय। एही दिन आपण दुदुरा अवश्य लगांतु। महाशिवरात्रि रे एमिती 5 जन महिला 5 जन पुरुष शिव व्रत करिबा केबे उचित नुह। भगवान शिव होइथांती क्रोधित। एमिती व्यक्ति पूजा भगवान शिव केबे भी स्वीकार करंती नाही। एहाकु शास्त्र रे घोर पाप बोली मनाजे। आसंतु जानिबा खास करी महाशिवरात्रि रो व्रत रखिबा स्वामी स्त्री को पाई बहुत महत्वपूर्ण मनाजे। ए व्रत को करिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे सफलता आसीथे आउ 7 जन्मर 7 मिलिथे। किंतु कोन आपण जानिछंती जदि आपण हिंदू नीति नियमर सहित 7 फेरा नै नहांती तो आपण महाशिवरात्रि रो व्रत को रखि परिबे नाही।
ଏହାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାତ ଫେରା ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏ ବ୍ରତକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପାପର ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମନର କ୍ରୋଧ ବିଚାର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜାରେ କେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ନିଜ ମନରେ ଯେ ରଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ସେ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ କେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ସଚ୍ଚ ଅଟେ ତ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଡାକକୁ ଶୁଣିବେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଦିନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଯେଉଁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜା ବି ଭଗବାନ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ଅଟେ। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏମିତି କଲେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନର ଏକ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେବେ ବି ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ପାପ ମନାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଖରାପ ବିଚାର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଏ, ତ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ଭଗବାନ ଶିବ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।